की तमाम कोर कमेटी की मीटिंग आज कार्यालय के अंदर आयोजित की गई है। एजेंडा हमारा बिल्कुल वही है जो हमने संकल्प लिया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का, और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है वो चुनाव करवाए जाएं। इसी एजेंडे को जो है आगे बढ़ाते हुए जम्मू के प्रदर्शन के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि इस प्रदर्शनों को जनता के बीच लेके जाया जाएगा। हर जिले हर तहसील के अंदर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे। अभी हमारी टेंटेटिव डेट जो है हमने 8 अगस्त जो है वो डिसाइड की है कि 8 अगस्त को कठुआ के अंदर जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता उस प्रदर्शन के अंदर भी मौजूद रहेंगे। इस हमारी जो सर्वदलीय मीटिंग होती है इसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, UBT, CPML, तमाम लगभग और उसके साथ ह्यूमन राइट कमीशन के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, ऑल पीस अलायंस, इन तरह तमाम नेताओं को जो है एक साथ एकजुटता के साथ जो है हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम जो है संकल्प लिया है आज फिर हमने कि जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक जो बहाली है हमारे अधिकारों की, उसको बहाली करवाई जाएगी। देखिए लगातार जम्मू कश्मीर से पहले राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है। आज 5 साल से भी एक दिन ज़्यादा हो चुका है। लगातार हमारे देश के गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जब भी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं बयान देते हैं कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, मगर 5 साल का लंबा अंतराल बीतने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं लौटाया गया। जो हाल ही के अंदर जो संकेत केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो है मिल रहे हैं वो संकेत यही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने को लेकर केंद्र की मंशा साफ नहीं है। जो हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर जो बदलाव किए गए हैं, LG की पाधिकार क्षेत्र को जो है बढ़ा दिया गया, वो भी बहुत बड़ा संकेत है। जनता के मताधिकार को जो है खोखला कर दिया गया है। विधानसभा जिसका अभी गठन ही होने को नहीं आ रहा उसके अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। ये तमाम इश्यूज को लेकर हम जो है तमाम पार्टियां एकजुट हैं और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। 8 अगस्त को हमारा कठुआ के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा।